नमस्कार, आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की पुस्तक आधुनिक मानव शांति की खोज में से आज का अंक। आज का विषय है स्वजन की मृत्यु का आघात लगे तब। यह श्रृंखला हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे पहले परिवार में लड़ाई झगड़े ना हों, प्रेम और एकता का वातावरण बने उसके लिए क्या करना चाहिए, विषय पर हमने महाराज के विचार सुने थे। महाराज बता रहे हैं कि जीवन में सबसे अधिक दुखदायी और आघातजनक यदि कोई घटना है तो वह है किसी स्वजन की मृत्यु। अचानक किसी स्वजन की मृत्यु के आघात से कुटुंबी जन टूट जाते हैं, दुखी और अशांत हो जाते हैं। अभी कल तक जो अपने साथ हंस बोल रहे थे वे आज कहाँ चले गए, क्या अब कभी नहीं मिलेंगे। यही बात जब परिवार के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं तब उनके लिए यह दुख असहनीय हो जाता है। इकलौते पुत्र की मृत्यु के आघात से उसके पिता के सारे बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु के आघात से माँ पागल हो गई, ऐसी असंख्य घटनाएं समाज में होती दिखाई देती हैं। इसमें जब कभी अकाल मृत्यु होती है तब स्वजन उस आघात को सहन नहीं कर पाते हैं। आंसू, दुख और चिर विरह की वेदना की व्यथा जीवन भर कुटुंबी जन सहते रहते हैं। समय समय पर यह विदाई का घाव भरने के बाद ताजा हो जाता है। एक स्वजन की विदाई से कई लोगों का जीवन दुखी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि जीवन में पूर्ण रूप से निश्चित अगम्य कोई घटना है तो वह है मृत्यु। वह निश्चित है पर साथ साथ सबसे अधिक अनिश्चित भी है। वह कभी भी जीवन में आकर हंसते खेलते जीवन का तत्काल अंत कर देती है। मृत्यु प्राप्त करने वाला तो सभी बंधनों को तोड़कर अपनी देह को भी पृथ्वी पर छोड़कर सूक्ष्म लोक में चला जाता है, लेकिन उसके पीछे रहने वाले दुखी हो जाते हैं। यह दुख जीवन भर बना रहता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि इस मृत्यु के दुख से मुक्त होने के दो मार्ग हैं। पहला, नकारात्मक मार्ग। दुख आ पड़ा है तो केवल रोते, दुखी होते, भाग्य और विधाता को दोष देकर आंसू बहाते रहते हैं, फिर समय बीतने के साथ दुख भूलने लगते हैं, परिस्थितियां स्थिर होने लगती हैं, मनुष्य फिर संसार की लोक रीति पर नए ढंग से अनुकूल होकर दैनिक जीवन के कार्यों में पूर्ववत लग जाता है। अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है और जीवन चक्र चलता रहता है। दूसरा मार्ग है चिंतन और ज्ञान का मार्ग। यह दूसरा मार्ग बुद्धि का मार्ग है। दुख का उपयोग करके चिंतन द्वारा मृत्यु के रहस्य को प्राप्त करने का मार्ग है। जब स्वजन की चिर विदाई से जीवन में भयानक आघात लगे तब रोने के बदले बुद्धि को सतेज करके मृत्यु पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि रोने से स्वयं तो दुखी होते ही हैं, मृतात्मा को भी दुख होता है। इसके बदले यदि प्रार्थना की जाए तो अपने हृदय में शांति तो मिलती ही है, दिवंगत आत्मा को भी शांति मिलती है। हृदय में शांति होने से दुख कम हो जाता है और चिंतन होने लगता है कि आखिर मृत्यु है क्या। कुमार सिद्धार्थ के जीवन में ऐसी घटना घटी थी। उन्होंने कभी मृत देह नहीं देखी थी। अग्नि संस्कार के लिए ले जाते शव को देखकर उन्होंने अपने रथ के सारथी से पूछा, ये लोग इस आदमी को ऐसे बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं। सारथी ने उत्तर दिया, यह आदमी मर गया है इसलिए इसे बांधकर शमशान ले जा रहे हैं। पुनः प्रश्न आया, लेकिन उसे बांधा है तो वह बोलता क्यों नहीं। सारथी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह मर गया है, अब वह निष्प्राण हो गया है,
इसलिए अब वह कभी नहीं बोलेगा। तो अब उसका क्या करेंगे? सारथी ने उत्तर दिया, अब उसे जला देंगे। अरे तो क्या उसे दुख नहीं होगा? सारथी ने बताया, नहीं, अब उसे कुछ भी नहीं होगा, उसका सब कुछ समाप्त हो गया है, अब उसमें सुख दुख जैसी कोई भावना नहीं होगी। अच्छा, तो क्या इसकी तरह दूसरे भी मरते हैं? हे राजकुमार, सारथी ने कहा, सबको मरना है, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु ना हो। तो क्या सभी मरने के लिए ही जीते हैं? हाँ, प्रत्येक का अंतिम गंतव्य स्थान वही है। तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सिद्धार्थ ने पूछा। मेरे पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन, मेरी प्रिय यशोधरा, पुत्र राहुल, क्या इन सबको मरना पड़ेगा? क्या तुम और मैं भी मर जाएंगे? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, हम सब मर जाएंगे, परंतु कब यह नहीं कह सकते। मृत्यु तो कभी भी आकर मनुष्य के प्राण ले सकती है, वह किसके प्राण को कब ले जाएगी इसे कोई भी नहीं जानता है। एक रोगी और एक वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ को पता चला कि प्रत्येक मनुष्य की ऐसी स्थिति होती है और फिर वह मर जाता है। यह जानकर उनके हृदय को तीव्रतम आघात लगा, उनका चित्त तंत्र विचलित हो गया, वे बेचैन हो गए। मृत्यु के आघात ने उन्हें सच्चे ज्ञान की शोध के लिए प्रेरित किया और उसके लिए उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया। अंत में वे निर्वाण की प्राप्ति कर बुद्धत्व को प्राप्त हुए। यह है मृत्यु के दुख से सही ढंग से मुक्त होने का मार्ग। इस विषय में चिंतन करने से हृदय में गहरी समझ जगती है और जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। इतना ज्ञान होने पर जीवन और मृत्यु दोनों एक खेल हैं, यह समझ आ जाती है। आशा है इस विषय पर हम भी चिंतन और मनन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम महाराज के मृत्यु को भी खेल के समान मानो विषय पर उनके विचार सुनेंगे। नमस्कार।